अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जो मैं बात किया था ना कि एक ट्रेड सीधी और आप लोग भाव से लेकर लाखों रुपए तक कमा लेंगे, तो बात का आज के इनकी ट्रेडिंग में दुरुस्त साबित हो गई। क्योंकि देखिए, जो जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना अपनी पिछली वीडियोज़ में, तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी अचीव करे और आज के इनकी ट्रेडिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस रही है। अपर कैप पे वो सारे स्टॉक्स जाके ट्रेडिंग करते हैं, सारे स्टॉक्स ने अपने लो से अच्छा खासा बढ़ के यानी कि हाई पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी ना लास्ट में लाइक करें। देखें, आप लोगों का एक लाइक पे क्लिक ना ये वीडियो को काफी लोगों तक पहुंचाएगा और ये वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे बढ़ेगी। तभी देखिए, मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो को ना लाइक करने का बोलना होता हूँ और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स भी लेके आ रहा होता हूँ ताकि पर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में हो और आप लोग इस मार्केट से लाखों रुपए कमाते रहे। फिर देखिए, जिस तरह के ये मार्केट जबरदस्त कैपिटल गेन भी दे रही है ना अपने इन्वेस्टर्स को, यानी कि जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज को देखते हुए कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पे यानी कि लो रेटों पर बाय करा ना, क्योंकि देखिए जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स की, तो वो सब यानी कि अच्छा खासा लो पे ट्रेडिंग कर रहे थे। तो वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स देखें अच्छा खासा तेजी से बढ़े यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुए और ऊपर की तरफ गए। और फिर मैं आप लोगों के लिए इस तरह की यानी और जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स लेके आऊंगा ताकि फिर आप लोगों को ना चैनल से देखे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। क्योंकि ये चैनल ना मैंने देखिए बेसिकली बनाया आप लोगों के लिए, जब चैनल आप लोगों का है तो फिर आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि फिर इस चैनल की वीडियोज ना ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे बढ़े। तो आज की वीडियो ने मेरा बनाने का मकसद ही है कि मैं आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को पांच जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दूंगा। देखिए, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार से बेकार स्टॉक को बाय कर रखा है ना, यानी कि आप लोगों को नहीं मालूम था कि आप लोगों का आप लोग जिस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहे हैं ना वो यानी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो अगर यानी कि आप लोगों ने काफी महीनों से या काफी टाइम से या सालों से उन कंपनीज के स्टॉक्स की होल्डिंग करके रखी हुई है ना कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है। देखिए, अगर कंपनी कुछ कमाएगी नहीं तो फिर वो आप लोगों को क्या देगी, यानी कि उसका शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही नहीं। तो बिल्कुल फिर आप लोगों को जो मैं बाय कॉल दे रहा हूँ ना पांच जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की, ये पांचों ना अर्निंग्स में है, तो फिर आप लोग ना अपनी इन्वेस्टमेंट को इन कंपनीज के स्टॉक से शिफ्ट कर ले होंगे। अभी भी इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना बुलिश ट्रेंड आना बाकी है, यानी कि कैपिटल गेन आप लोगों को ऑलमोस्ट 50 से लेकर ना 60% का अच्छा कैपिटल गेन ये स्टॉक देंगे और देखते देखते ना ये स्टॉक तेजी से बढ़ेंगे। इस तरह से KSE 100 की भी परफॉर्मेंस रही है ना, यानी कि देखिए इंडेक्स ना सीधे सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है और कहीं भी यानी कोई भी ऐसा बैरियर रुकावट नहीं है कि इंडेक्स यानी कि वहां रुक के ट्रेडिंग करें। मैं तभी देखें आप लोगों को 40,000 भी जब थी ना मार्केट जब ट्रेडिंग कर रहा था इंडेक्स में, तब से यानी आप लोगों को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। क्योंकि देखिए अभी ना सही मायनों में जो अर्निंग्स वाली कंपनीज के स्टॉक्स है ना वही बढ़ ले। क्योंकि जिस तरह से मैंने आप लोगों को साजगार के स्टॉक की देखिए अभी भी बाय कॉल मौजूद है मेरी पिछली वीडियो में, कि मैंने आप लोगों को साजगार के स्टॉक का 550 का जो टारगेट दिया था वो टारगेट भी हिट करा। फिर मैंने आप लोगों को साजगार का दिया है 750 का टारगेट, यानी कि साजगार 750 तक जाएगा। जिस तरह देखिए आज के इनकी ट्रेडिंग में साजगार का स्टॉक यानी अपर कैप तक गया। लेकिन देखिए मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए साजगार जो है ना वो तो अभी अच्छा खासा यानी बढ़ चुका है, 626 रुपये पे साजगार की क्लोजिंग आई है। लेकिन अगर आप लोग इसको इन रेटों पे बाय करते हैं ना साजगार को, तो फिर लाजमी ना आप लोग लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस। क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस ही वो मेन की है, क्योंकि फिर आप लोगों का नुकसान ना कम से कम होगा। क्योंकि देखिए जो मैंने आप लोगों को टारगेट साजगार का दिया ना 750 का, तो ये आप लोगों को मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा और ये पॉसिबिलिटी है कि 750 तक चला है। सिर्फ इतना अर्निंग्स की बेस पे कंपनी चली है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग जबरदस्त आई है, कंपनी की सेल्स भी जबरदस्त चल रही थी, इसीलिए स्टॉक तेजी से बढ़ा है और इसका शेयर प्राइस इतना तेजी से ऊपर की तरफ गया है और सारे टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक ने पूरे कर लिए। तो ये मैं आप लोगों को पांच जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये पांचों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक से और खास तौर पे कैपिटल गेन यानी कि ट्रेडर्स को मैं ये स्टॉक रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेडर्स अच्छे पैसे बना लेंगे इन कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पे बाय करके और हाई रेटों पर फिर सेल करेंगे, तो अच्छे पैसे ट्रेडर्स इन कंपनीज के स्टॉक से कमा लेंगे। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ, इसका नेम है इफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसकी आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 161 रुपये पे ईफर्ट का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा, 12 लाख से ज्यादा शेयर्स का ईफर्ट के स्टॉक में काम भी हुआ है। देखिए बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसका देखिए जो सपोर्ट लेवल बनता है ना अगर ये डिप मारता है तो इसका 155 रुपये का है, ये इसका इनिशियल सपोर्ट लेवल है। क्योंकि ये ना यहाँ से रिवर्स हुआ था 155 रुपये के बाद से, लेकिन अभी तो ये 161 पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए यहाँ से भी ना बुलिश होगा क्योंकि ये कंटिन्यूसली यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर बिल्कुल आप लोग करंट रेटों पर इसको बाय करें, इसका टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म 185 का, यानी कि 185 रुपये तक ईफर्ट का स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कैपिटल गेन भी आप लोगों को शानदार देगा। इसके अलावा देखिए अभी डिविडेंड भी एक्स होगा, तो फिर ये डिप मार के और मजीद तेजी से बढ़ेगा, यानी कि फिर ये 185 से भी पॉसिबिलिटी है कि इससे भी ऊपर निकल जाएंगे। अर्निंग्स भी कंपनी शानदार आ रही है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़े तभी ये स्टॉक तेजी से यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये ग्लास सेक्टर में कंपनी आती है। खास तौर पे ये स्टॉक्स में टॉप एक्टिव ट्रेडर्स को रेकमेंड करते हो कि ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा लेंगे और शॉर्ट टर्म में उन्हें अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। BGL के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 10 रुपये पे BGL के स्टॉक का ऊपर कैप भी लगा रहा, वॉल्यूम भी शानदार बन रहे हैं। देखिए 35 लाख से ज्यादा शेयर्स का BGL के स्टॉक में काम भी हुआ। मैं आप लोगों को बाय कॉल दी अभी इसीलिए रहा हूँ कि कंटिन्यूसली यानी कि अब ये स्टॉक ना ऊपर ही जाना स्टार्ट हो चुका है,
जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था ना इनिशियल, वो इसका 9.5 रुपए का बना हुआ था, 9.5 रुपए के रेजिस्टेंस को बीजीएल ने ब्रेक कर दिया, अभी यहाँ से सीधा बुलिश हो चुका है। और पॉसिबिलिटी है जो इसका टारगेट बनता है ना, फिलहाल जो इसका फर्स्ट टारगेट है वो इसका बनता है 13 रुपए का, यानी कि ये स्टॉक ना आप लोगों को 23 से 13 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी इसका 12.5 रुपए से लेकर 13 रुपए का ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल है, और ये इसका रेजिस्टेंस भी यानी बन चुका है। अगर ये मुमकिन है, अगर ये इन रेटों पर ट्रेडिंग कर लेते हैं विद वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम्स बन जाते हैं 12.5-13 रुपए के रेटों पे, तो फिर ये यहाँ से भी 23 से बढ़ेगा, और फिर ये आप लोगों का 18-20 रुपए के रेटों पे वापसी पहले की तरह जाता हुआ दिखाई देगा, जब ये इससे पहले भी इन रेटों पे ट्रेडिंग करके आ चुका है। 17-18 रुपए के इसके रेट हुआ करते थे पहले। तो अभी आप लोगों को बाय कॉल में दे रहा है इसीलिए कि ट्रेडर्स पैसे अच्छे कमा लेंगे, कैपिटल गेन अच्छा हासिल आएगा, क्योंकि 23 से ये स्टॉक ना बढ़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी का स्टॉक को बाय मत करिएगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को कंपनी के स्टॉक को बाय करना है ना, तो फिर मैं आप लोगों को एक नेम बता रहा हूँ, इसका नेम है होंडा कार। तो ये स्टॉक भी ना 23 से बढ़ रहा है, मैंने आप लोगों को इसीलिए होंडा कार का ओवरव्यू देखिए बताया कि ये स्टॉक आप लोगों को और मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा, और जो टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म टारगेट होंडा कार का वो इसका बनता है 350 का, तो ये 23 से बढ़ेगा। तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से होंडा कार के स्टॉक को बाय कर लें। इसके अलावा तीसरी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन दे आएगा। फूड सेक्टर में कंपनी आती है, आज के दिन की ट्रेडिंग में भी इसको अपर कैप लगा रहा है। इसका नेम है टॉम सी एल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। देखें ये भी 23 से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जिस तरह से इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, तो फिर ये स्टॉक आप लोगों को मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। देखिए जो इसका रेजिस्टेंस बनता है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस टॉम सी एल का, वो बनता है 34.48 रुपए का, यानी कि 34 रुपए का ना ये मजबूत रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस एरिया से इसको गुजरना है विद वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम्स बन जाते हैं 34 के रेटों पे, तो ये और बुलिश। आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी जब ये 19-20 रुपए के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था टॉम सीएल, तो ये कितना तेजी से बढ़ा, यानी कि शॉर्ट टर्म में आप लोगों को 12-13 रुपए का कैपिटल गेन भी अच्छा दिया। लेकिन अभी भी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, यहाँ भी आप लोग इसको बाय करें। लेकिन मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि 40s में ट्रेडिंग कर रहा होता था वही इसकी वैल्यू थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई, तभी ये स्टॉक ना आप लोगों को डिप पे आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी भी आप लोग इसको किन रेटों पर बाय करें, इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों का, आप लोग मुझे बताया था कि फिर मैं कमेंट्स में आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूँ, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में, आप लोग इस मार्केट से अच्छे पैसे बनाए। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, जिसका नेम है FFC फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड। देखें ये भी जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है, मैंने आप लोगों को देखे इसकी तब कॉल दी थी, लेकिन बिल्कुल डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 95-100 रुपए के इसके रेट थे, और तब ये वहां से 23 से बढ़ा है। तो अभी इसकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 142 रुपए के रेटों पर ट्रेडिंग करें। देखिए यहाँ भी आप लोगों ने इसको बाय करें, इसलिए देखिए इसका टारगेट बनता है FFC का 165 का, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि इसका 165 का टारगेट है, जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 115-120 के रेटों पे, और ये यहाँ से भी देखिए कि कितना ज़्यादा तेजी से बुलिश हुआ। क्योंकि देखिए जो जो स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ ना, सबकी परफॉर्मेंस तो आप लोग खुद देख रहे होते। देखिए मैंने आप लोगों को TGL की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को TGL तारे ग्लास की भी बाय कॉल दी थी, जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 105-110 रुपये के रेटों पर, कि वहाँ आप लोग ना इसको बाय करें, क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में है, कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, ये शेयर आप लोगों के हाथ नहीं आ रहा था। वो तो आप लोगों ने आज भी देख लिया कि स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा। तो देखिए जो मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी ना, कि अगर आप लोगों ने कोई भी यानी बेकार से बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ है ना, वो स्टॉक यानी कि बढ़ ही नहीं रहा, यानी कि उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ ही नहीं रहा, तो फिर जो मैंने आप लोगों को ये कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, तो फिर आप लोग बगैर डरो खौफ के ना अपनी इन्वेस्टमेंट को इन कंपनीज के स्टॉक में शिफ्ट कर दें। क्योंकि ना अब सही मायनों में इन्हीं कंपनीज के स्टॉक की बारी है। देखें ईफर्ट भी आप लोग कैपिटल गेन जबरदस्त दिया है, होंडा कार भी आप लोग कैपिटल गेन अच्छा दिया है, टॉम सी एल भी कैपिटल गेन दिया है अच्छा। सिर्फ देखिए मैं जो मैंने आप लोगों को साजगार के स्टॉक का कहा है ना, कि ये स्टॉक सिर्फ ट्रेडर्स को मैं रेकमेंड करता हूँ, इसके अलावा देखिए मैंने आप लोगों को BGL का भी कहा है ना, बलूचिस्तान गिलास का भी, कि BGL भी मैं सिर्फ ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ। क्योंकि देखिए BGL और साजगार ट्रेडर्स ना जबरदस्त पैसे कमा लेंगे, इसलिए देखिए उनको पता होगा कि इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल तो दे ही दी है, तो इसको फिर किन रेटों पर बाय करें और किन रेटों पर सेल करें, तो फिर आप लोगों को पता होगा। तो तभी देखें मैंने आप लोगों को ये चार कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी, ताकि कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छे मिले। लेकिन देखिए मैंने ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को दोनों को मैंने इसीलिए अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दिए, ताकि फिर आप लोगों ने अपनी वर्किंग लाजमी कर लीजिएगा इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने से पहले। इसके अलावा आखिरी और एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये स्टील सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है अमरेली स्टील लिमिटेड ASTL इसका कोड है। देखें इस कंपनी के स्टॉक की भी ना मैं आप लोगों को बाय कॉल अभी दे ही इसलिए रहा हूँ कि ये स्टॉक भी कंटिन्यूसली आने के बढ़ ही रहे। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 25 लाख से ज्यादा शेयर्स का अमरेली स्टील के स्टॉक में काम भी हुआ। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ ना, 16 लाख से ज्यादा शेयर्स का अमरेली स्टील
में यानी कि वॉल्यूम भी बने और अच्छा यानी काम भी हो रहा है। देखिए अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है ना तो ये स्टॉक आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। देखिए मैं आप लोगों को बाय कॉल अभी दे ही सी ले रहा हूँ क्योंकि टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं दोनों ही ना इस कंपनी के स्टॉक को। अमरेली स्टील को बाय कर लें, जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना अमरेली स्टील का वो बना हुआ है 2869 पैसे का, यानी कि 2800 रुपये का रेजिस्टेंस है। अगर ये 2800 के लेवल पे ना यानी कि ये लेवल है इसका, अगर ये इन लेवल्स पे आके ट्रेडिंग कर लेते हैं ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम्स अच्छे बनते हैं और सारी कैंडल्स बुलिश में बनती है यानी कि बाइंग के वॉल्यूम ज्यादा बनते हैं तो फिर ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। मुमकिन है कि फिर ये स्टॉक ना जो कि इसका 28 का रेजिस्टेंस है इसको भी ये ब्रेक करके इससे ऊपर निकले। जो टारगेट इसका बनता है ना अमरेली स्टील का वो इसका बनता है 32 रुपये का 33 का, यानी कि 32 से 33 का इसका फर्स्ट टारगेट है। देखें ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ेगा तो तभी ना मैंने आप लोगों को देखिए अमरेली स्टील की बाय कॉल दी, ताकि भी ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों ही ना इस कंपनी के स्टॉक को भी देखे बाय कर ले। क्योंकि जिस तरह से अभी ज्यादातर स्टॉक्स बढ़ चुके हैं ना, यानी कि कोई भी ऐसा स्टॉक जो कि आप लोग हाई रेटों पर बाय कर रहे हो तो लास्ट में आप लोगों का लगा हुआ स्टॉप लॉस, या वरना फिर डिप पे अगर आप लोगों को कोई स्टॉक को बाय करना है तो फिर उसके लिए आप लोग को मैं अमरेली स्टील के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। क्योंकि ये स्टॉक अभी डिप पर है मौजूद, अगर ये डिप मारता है तो ये इसका बना हुआ है 20 से लेकर ना 21-22 रुपये का, लेकिन ये अभी देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ तक आए क्योंकि वॉल्यूम्स हर लेवल पे इसमें बन रहे हैं, तभी ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से ना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक इसीलिए ना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लास्ट में आप लोगों से यही बात कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है ना तो फिर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इन कंपनीज जो कि मैंने आप लोगों को बताई ना तो फिर इनसे आप लोग शिफ्ट कर लेंगे ना तो फिर कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा मिलेगा। और देखिए यही वो ट्रिक है, यानी कि यही वो बात है जो मैं आप लोगों को चाह रहा था बताना कि आप लोग हमेशा स्टॉक को यानी कि नीचे के लेवल से बाय करें, यानी कि जब वो स्टॉक बिल्कुल गिर गिर के यानी रुक जाए ना। देखें अगर मैं साजगारी की बात कर लेता हूँ तो जब वो स्टॉक यानी कि 55-60 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग था ना कर रहा था, तब मैंने आप लोगों के वीडियोज बना बना के बताया था कि आप उसको बाय करें कि यहाँ से बढ़ेगा। और जितने भी लोगों ने उस रेटों पर 7,000 के स्टॉक को बाय करा यानी कि जो उसके बिल्कुल गिरे हुए रेट थे वो के 70-80 रुपये 100 रुपये के रेट थे, तो देखिए 100 रुपये वाला हूँ, 70 वाला हूँ, 200 वाला हूँ, 500 पे भी जिसने बाय करा तो यानी सबकी बारी आ गई। तो अभी देखिए मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो को लाइक करने का इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि फिर ये वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँ तो आप लोगों तक फॉरन की वीडियो पहुंचे, ताकि फिर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को वॉच करके भी समझे कि जो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है स्टॉक की। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस चैनल की बेहतर वीडियोज बराबर मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।